हिमाचल पुलिस के 7 और 8 दिसंबर को मनाए जाने वाले स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार हमीरपुर के गांधी चौक पर पुलिस ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा, एएसपी राजेश कुमार के अलावा सभी थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। शिविर में जनता से जुड़ने के लिए पंपलेट बांटकर कानूनी अधिकारों से लेकर शिकायत और एफआईआर दर्ज कराने की सारी जानकारी दी गई। वहीं शिविर में जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुलिस से जानकारी हासिल की। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि 7-8 दिसंबर को हिमाचल पुलिस रेसिंग डे के उपलक्ष्य में जागरूकता शिविर लगाया हुआ है और जनता से जोड़ने के लिए शिविर में कानून की जानकारियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि लोगों का भी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और अपने अधिकारों को जानने के लिए लोगों को जानकारी मिल रही है, जिससे जनता और पुलिस की दूरी को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। 7 और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश पुलिस का रेजिंग डे मनाया जा रहा है, तो उसी से संबंधित ये एक अवेयरनेस कैंपेन हमने रखा है। इसमें हमारे डीजीपी साहब की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि इसको जनता से एक जुड़ने का माध्यम बनाया जाए, इस रेजिंग डे का जो फंक्शन है इसको। तो हमने ये कैंप लगाया है, ये क्योंकि गांधी चौक शहर का सबसे व्यस्त क्षेत्र है, साथ ही साथ यहाँ बच्चों की स्कूलों से आवाजाही, इस तरह की एक्टिविटीज बहुत होती है। तो हमने ये अवेयरनेस कैंप लगाया जिसमें कि लोगों को उनके कानूनी अधिकार बताए जाते हैं, जैसे गिरफ्तारी से संबंधित कोई अधिकार, उनके कोई कंप्लेन दर्ज करने से, एफआईआर दर्ज करने से संबंधित, उनके नागरिक के तौर पे उनके अधिकार, जो भी जिनका भी पुलिस से संबंध होता है वो सब उनको यहाँ बताया जाएगा। साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर, व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर, और आजकल देखने में आ रहा है साइबर क्राइम के शिकार बहुत ज्यादा हो रहे हैं लोग, तो उसको लेकर एक जागरूकता अभियान बढ़ाया, ये हमने चलाया है। तो ये हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से, हमीरपुर पुलिस की तरफ से इस्टेब्लिश किया गया है और इसमें हम पैम्फलेट बांट रहे हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ जो कानून के अच्छे जानकार हमारे पुलिस वाले हैं उनको हमने यहाँ तैनात किया है, लोग आकर उनसे सीधे बात भी कर सकते हैं, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है वो जान सकते हैं। सर पहली बार है। बहुत एक अच्छा रेस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला है और लोगों ने स्वागत किया है इस कदम का। विशेषकर मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ आने वाले लोग हैं, साथ ही साथ जो स्कूली बच्चे हैं, सभी इस कैंप की तरफ आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, अपने अधिकारों को जान रहे हैं। थ्रू पैम्फलेट जो हम दे रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी वो सीधे भी बातचीत कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा कदम है जिससे कि जनता और पुलिस के बीच जो दूरी है, हालांकि दोनों एक दूसरे से संबंधित पूरी तरह जुड़े हुए तथ्य हैं, पुलिस भी और पब्लिक भी, पर ये जो बीच का गैप है इसको दूर करने का एक प्रयास पुलिस की तरफ से है। और इसमें हम हमारे डीजीपी साहब की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि जितना जनता के करीब हम जा पाए उतना हम जाने की कोशिश करें, तो उसी का हिस्सा।